मैम साउंड नहीं आ रहा है। मैम अभी बोल ही नहीं रही है। ये म्यूट है। हेलो, आप सुनाई दे रहे हैं? यस यस मैम, यस हाँ, अच्छा नहीं, वो अनम्यूट म्यूट हो गया था। अच्छा, मैम फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड फ्लाइट में आ गया ना, तो पहले तो नहीं म्यूट हो गया। अभी हम बता रहे थे कि माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी। माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए, है ना। पहले भी ये बताया जा चुका है कि बहुत हमारे पास दो तरह के, दो कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है ये तुम्हें इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बताया जा चुका है कि बैक्टीरिया है हमारे पास, फंजाई भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, कुछ एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब का अगर हमें डिटेल स्ट्रक्चर देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और अभी जस्ट हम ये बता रहे थे कि जो ह्यूमन आई है, हम अगर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का, या हमारा नॉर्मल आईज है, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर तक चीजों को देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर से छोटा अगर साइज अगर होता चला जाता है तो हम फिर लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, यानी कि 1 माइक्रोमीटर तक, 1 × 10⁻⁶ मीटर तक हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी नीचे, अगर मान लीजिए कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो 0.1 नैनोमीटर हो जाए, है ना, तो उसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी, ये तुम हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो कि जो पहला पर्सन जो था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया था एक्यूरेटली और उसको एक नाम दिया था एनिमलक्यूल्स, तो पहला उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एनिमलक्यूल्स किया था, लेकिन बाद में कई प्रोटोजोआ एंड कई तरह के और दूसरे दूसरे बैक्टीरिया का इन्होंने डिस्कवरी किया था, एंड दैट वाज एंटोनी वॉन लुवेनहुक, जिसको कि हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। अपना वीडियो, अपना ऑडियो म्यूट करो, किसी का आवाज आ रहा है बीच में। ऑडियो सबको ही अपना म्यूट रखो। अब लेंसेज एंड बेंडिंग ऑफ लाइट, भाई कोई भी चीज, ये तुम लोग आराम से, तुम लोग 11th क्लास में भी, 11th 12th और इवन तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़े होगे, 10th के फिजिक्स में भी तुम लोग लेंसेज एंड बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़े होगे कि कोई भी चीज कैसे दिखती है, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी चीज का, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब चीज तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग को तभी कोई चीज दिखती है जब कोई, मतलब मान लीजिए कि जैसे मोबाइल ही है, तो मोबाइल हमें तब दिखती है जब हमारे आंख से लाइट चलता है ना, और सॉरी वो लाइट मतलब कि जो उस पर लाइट पड़ता है और ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज पे पड़ता है, और फिर आईज से रिफ्लेक्ट होके हमारे कॉर्निया पे उसका इमेज बनता है, तब हम लोगों को इमेजेस दिखते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी तुम लोग जानते हो कि हर जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो वाटर हो, चाहे चाहे एयर हो, चाहे वो ऑयल हो, हर चीज का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ये मेजर करता है कि कितना किसी वेलोसिटी ऑफ लाइट को, कितना तुम लाइट को स्लो डाउन कर सकते हो। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मानते हैं कि 1 है, सभी किसी को पता है ना। इसी तरह वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 से कम होता है, ऑयल का उससे भी कम होता है। तो जब चीजें जो है, जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, और यही रिफ्रैक्शन की वजह से तुम्हें, जैसे पानी में कोई चीज अगर तुम झांक के देखते हो तो पानी में कोई, या फिश ही है, जैसे अगर हम लोग किसी टैंक में फिश को देखते हैं तो फिश का जो ओरिजिनल पोजीशन है वो अपने, मतलब कि जो जो हमें जो आंखों को जो नजर आता है वो ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा पीछे होता है। तो ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है, डेविएशन होता है, ये सारे लाइट्स की जो प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो लेंसेस हैं उनमें तुम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे लाइट रे पड़ता है उसको हम लोग
फोकल पॉइंट कहते हैं, और जो मतलब जो लाइट जो लेंस का जो सेंटर होता है एंड जो फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और जो जो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ लेंसेस है वो रिलेटेड होता है फोकल लेंथ है। अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है तो यानी कि वो लेंस जो है वो ज़्यादा मैग्निफिकेशन देगा, और वाइस वर्सा यानी कि अगर तुम्हारा लॉन्ग फोकल लेंथ है तो उसका जो उस लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो कम होगा। ये सब तुम ऑलरेडी पढ़ चुके, ये बिल्कुल बेसिक है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है तुम्हारा, है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ इसको हम लोग कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे लाइट जो है वो मिलते हैं उसको हम लोग फोकस कहते हैं। अब ये जो तुम्हारा जहाँ पे लाइट कटता है एंड ये हमारा जो लाइट, ये जो हमारा लेंस है वो इसका जो हाफ है इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां से और यहां का यानी F एंड तुम्हारा C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसी को तुम लोग फोकल लेंथ बोलते हो। अब लाइट के कई टाइप होते हैं, है ना, मतलब डिपेंड करता है कि तुमने इल्यूमिनेशन जो पावर है, देखने का जो एनर्जी है वो क्या यूज किया है। तो जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप और जिससे सिंपलेस्ट जो टाइप होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, और इस लाइट माइक्रोस्कोप को हम लोग इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो लाइट है। और इस पे कई तरह के माइक्रोस्कोप बने हैं, जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हुआ, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हुआ, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप हुआ, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप हुआ। इन सारे माइक्रोस्कोप में लाइट को एज ए इल्यूमिनेशन पावर हम लोग यूज करते हैं। तो तुम्हारे पास लैब में जो है ना वो तुम्हारे पास ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होगा, जो तुम लैब में जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो स्टडी करते हो वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है। और ये हम लोग ये जो लाइट फील्ड और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है इसको हम लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि जब तुम माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हो, माइक्रोस्कोप में जब तुम आंख लगाते हो, है ना, तो जहां पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो स्लाइड रखा हुआ है, जो या जो तुमने जो सब्सटेंस रखा हुआ है देखने के लिए, उसका उसका जो बेस होगा वो लाइट होता है। यानी कि तुम्हारे लाइट बैकग्राउंड पे, ब्राइट बैकग्राउंड पे तुम किसी डार्क ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। इसी तरह अगर मान लीजिए कि तुम्हारा फील्ड है, अगर फील्ड तुम्हारा जहाँ पे तुम अंदर आंख लगा के और अंदर की ओर देख रहे हो, वो फील्ड अगर तुम्हें डार्क नजर आए तो उसको हम लोग कहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। मेरे ख्याल से तुम लोग माइक्रोस्कोप लैब में देखे होंगे। Yes, ma'am. देखे थे ना माइक्रोस्कोप? Yes, ma'am. हाँ, तो वो जो माइक्रोस्कोप जो तुम लोग लैब में देख के आए होंगे ना, प्रैक्टिकल में करवाया होगा, वो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, क्योंकि उसका जो बेस है, उसका जो ऑब्जर्वेशन का जो तुम्हारा बेस है, जो ग्राउंड है, वो ब्राइट है और उसी पे तुम स्लाइड वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तुम रख के देखते हो। अब जो तुम्हारा मतलब कि जो माइक्रोस्कोप है, तो तुम्हारा इवन लाइट माइक्रोस्कोप जो सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप भी है, उसमें तुमने देखा होगा कि कई तरह के लेंस, एक तुम्हारे आँख के पास रहता है, एक तुम्हारा जहाँ पे तुमने स्लाइड रखा होगा वहाँ पे है, फिर एक ऐसा लेंस है जो कि तुम्हारा लाइट को भी मतलब जिससे तुम लाइट एडजस्ट करते होगे। तो जो जो एक नॉर्मल जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो दो से ज़्यादा लेंसेस का बना होता है और इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो तुमने लैब में स्टडी किया होगा वो माइक्रोस्कोप जो है वो ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ब्राइट फील्ड है क्योंकि फील्ड जो है वो उसका ब्राइट है, वो लाइट माइक्रोस्कोप की कैटेगरी में आता है क्योंकि तुमने लाइट को एज ए इल्यूमिनेटिंग पावर यूज किया हुआ है, और वो लेंस जो है वो माइक्रोस्कोप जो है वो दो से ज्यादा लेंसेस के बने हुए होते हैं, इसलिए उनको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। अब आ जाओ तुम्हारा जो तुम जो सिंपलेस्ट जो तुम्हारा माइक्रोस्कोप जिसकी बात कर रहे थे कि ये हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, और इसको हम लोग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं कि प्रोड्यूस अ डार्क इमेज अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड। तुमने देखा होगा कि जो जब तुम लेंस के पास मतलब अपना आंख ले जाते हो, जो तुम्हारा जो आई लेंस है जिसको कि ऑकुलर लेंस भी कहते हैं, वहाँ पे जो जब तुम झांक के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, अगर वहाँ कुछ नहीं लगा है तो वो बैकग्राउंड जो होगा वो लाइट होगा, और उस पे जब तुम ऑब्जेक्ट रखोगे तो ज्यादा विजिबिलिटी के लिए उसको डार्क होना चाहिए। मतलब कि जितना डार्क दिखेगा, सीधी सी बात है, अगर तुम्हें किसी सफेद कपड़े पे
है ना, या सफेद कागज पे किसी चीज को बहुत अच्छे से देख रहा है, तो तुम सफेद तो नहीं रखोगे उस पे, या तो काला रखोगे या कलरफुल रखोगे, जिससे कि सफेद कागज पे जो तुमने ऑब्जेक्ट रखा है वो तुम्हें क्लियरली दिखे, है ना। तो ये जो तुम्हारा ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें सेवरल ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं, है ना, और जब जब और वो फोकस पे रहता है, जब जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो चेंज होगा, हमें उसको फोकस में करना पड़ता है। और इससे जो टोटल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब होता है चीजों को मैग्निफाई करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मतलब तुम कितना बड़ा देख सकते हो जो चीज तुम्हें, जैसे सीधी सी बात है, अगर तुम स्लाइड बनाओगे तो स्लाइड पे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी अगर तुम उस पे बैक्टीरिया का सैंपल लगा लाते हो, उस पे स्मियर बनाते हो, तो उस पे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन तुम जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर डालोगे तो तुम्हें उस पे कुछ टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हैंगे वो दिखेंगे। तो यानी कि कैसे दिखा, क्योंकि तुम्हारा जो नॉर्मल आई है उसको नहीं देख पा रहा है, और जब तुमने माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया तो जो डिफरेंट जो लेंसेज सिस्टम है उसको, उसका जो इमेज बनाया उस इमेज को उसने इनलार्ज कर दिया, यानी मैग्निफाई कर दिया, और दैट मैग्निफाई ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू योर आईज। सो ये जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है, ये मैग्निफिकेशन होता है एक जिसको कि ऑकुलर लेंस कहते हैं, ऑकुलर लेंस इज आई लेंस जो तुम्हारे आईज के पास रहता है, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो कि जो चीजों को जो जहां तुम देख रहे हो, जहां पे स्लाइड रखे हो वहां पे भी एक लेंस होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। एंड टोटल मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इज ऑकुलर लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑकुलर लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। सो दिस इज द सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप, तुमने लैब में इससे भी सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा, ये थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप है, और बस लेकिन जो जो पार्ट्स हैं उसके वो तुम जो लैब में तुमने माइक्रोस्कोप देखा होगा वो लगभग सेम ही है, जैसे ये जो है जहाँ से तुम लोग अंदर झांकते हो, है ना। तो लैब में जो तुमने माइक्रोस्कोप देखा होगा, यहाँ पे देख रहे हो कि दो ऑकुलर आई पीस लगा हुआ, दो आई पीस लगा हुआ, दो आई लेंस लगे हुए हैं, और लैब में तुमने जो देखा होगा वो एक ही आई लेंस होगा, है ना। ये उसका पूरा बॉडी है, ये इसका आर्म है, ये तुम सब ऐसे ही तुमने ऐसा देखा होगा, ये इसका नोज पीस है, और उसमें तुमने देखा होगा कि तीन उसमें भी लगे हुए हैं, 10x का होता है, 40x का होता है, और 100x का होता है, 10x, 40x एंड 100x। x मतलब हो गया कि मैग्निफिकेशन, जब तुम यहाँ पे, ये तुम्हारा जो है ना स्टेज है, यहीं पे तुम यहाँ पे जो है वो तुम स्लाइड लगाते हो, राइट। जब तुम यहाँ पे स्लाइड लगाते हो और इसको जब तुम मूव करते हो, अगर तुम 10x पे लाते हो, यानी कि चीजें जो है, जो ऑब्जेक्ट तुमने इस पे लगाया हुआ है स्लाइड में, वो जो है वो तुम्हें 10 टाइम बड़ा दिखेगा। जब तुम 40x पे लाते हो, यानी कि चीजें जो है वो तुम्हें 40 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा, और जब तुम 100 लाते हो तो चीजें जो है वो 100 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे जब तुम शायद तुमने स्लाइड वगैरह बनाया था तुम लोगों ने लैब में, नो नो मैम, मैम, नो मैम, बायो में पढ़ना था। बायो में पढ़ना था, माइक्रोबायोलॉजी में ये तुम लोग को कराया जाता है, अभी तो लॉकडाउन हो गया इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल का वीडियो वगैरह हम मतलब लैब में जाके बनाए हुए वो तुम लोग को शेयर कर देंगे, उसमें तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो यहाँ पे चार है ना, 1, 2, 3 और ये चार, है ना। और जब तुमने लैब में देखा होगा तो हो सकता है उसमें 3 ही, ये तुम्हारा मैकेनिकल स्टेज है, यहाँ से तुम कोर सेटमेंट में जब आप घुमाओगे तो कुछ क्लियर दिखेगा, कोर एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे तुम्हारा एक एक ये जो है वो लाइट है ना, ये लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल करने का है, मतलब ये है, ये जो है यहाँ भी एक तुम्हारा लगा हुआ होता है, लेंस लगा रहता है जो कि लाइट को अट्रैक्ट करता है, मतलब लाइट को कन्वर्ज करता है, लाइट को पूरी तरह से मतलब अपने ऊपर लाता है, ताकि यही लाइट जो है वो नीचे से इस लाइट पे पड़े, है ना, और तब तुम्हें मतलब कि इस लेंस और इस लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो तुमको यहाँ पे।
प्लस थ्री यहाँ पे, यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ऑक्युलर लेंस, और ये जो है वो लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। तुम्हें ज्यादा लाइट चाहिए तो तुम थोड़ा सा इसको घुमा दो, कम लाइट चाहिए तो फिर तुम इसको थोड़ा सा घुमा दो, तो ये जो है वो लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कि ज्यादा या कम लाइट चाहिए। तो ये लैब में तुम्हें दिखाया होगा, पंकज जी ने दिखाया होगा लैब में इसके पार्ट्स, और तुमको प्रैक्टिकल में ये बनाना भी है कि कैसे जो है वो माइक्रोस्कोप का क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या पार्ट्स हैं। अच्छी तरह से ये जो तुम जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे है ना, तो ये वही लाइट है जो कि तुम्हारा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऑब्जेक्ट को जाता है, और ऑब्जेक्ट से होते हुए ये तुम्हारा ऑकुलर लेंस, यही तुम देखते हो। और ये ऑकुलर लेंस से देखने के बाद जो चीज़ें हैं वो तुम्हें वर्चुअल दिखेंगे, मतलब जब कोई चीज़ इन लार्ज है इसका मतलब कि वो वर्चुअल इमेज, तुम्हें रियल इमेज नहीं दिखेगा। रियल इमेज जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है और वो एक्चुअल कटान से बनता है। ये तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि जब लाइट एक्चुअली कटता है तो इमेज जो फॉर्म होगा वो इमेज जो होगा वो हमेशा शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट होगा, और जब तुम्हें कोई मतलब कि जब लाइट जो है वो एक्चुअली ना कटे बल्कि तुम उसको कहीं से मतलब कि वर्चुअली उसको कहीं मिलाते हो तो जो इमेज बनेगा वो ऑलवेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। तो जब यहाँ पे तुम छोटी चीजें हैं उसको तुम बड़ा करके देखना चाह रहे हो तो इसीलिए जो इमेज बनेगा वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनेगा और इनलार्ज बनेगा। अब एक चीज जो है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम 10x पे जाते हो यानी कि चीजों को तुमने 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है ना, अब क्या करते हो कि तुम्हारा मन करता है कि हम ना इसको 40 गुना बड़ा करके देखते हैं है ना, तो तुम क्या करते हो कि दूसरा लेंस उसके सामने लेके चले आते हो। लेकिन प्रैक्टिकली जब तुम 10x से 40x तक जाओगे तो तुम देखोगे कि कुछ इमेज जो है ना वो ब्लर दिखने लगता है, मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे कि तुमने तुम्हारा हर कैमरा का, हर जो मोबाइल का आपने आजकल कैमरा होता है और जो जो मोबाइल होता है उसमें ये बताया जाता है कि जो कैमरा है वो कितने पिक्सल का है, है ना, बोला जाता है ना 10 पिक्सल 20 पिक्सल एंड कितने पिक्सल है ये वो। और आजकल जो मोबाइल है वो कैमरा पे ही बिक रहा है कि भाई इसका कैमरा जो है वो डुअल कैमरा है और ये इतने पिक्सल का है। जैसे रेडमी का आजकल बड़ा कैमरा जो है वो बड़ा क्लिक कर रहा है, क्यों, क्योंकि रेडमी जो है वो पिक्चर बड़ा अच्छा क्लिक करता है, मतलब कि बहुत ब्यूटीफुल और क्लियर पिक्चर क्लिक करता है। लेकिन अगर मतलब दूसरे मोबाइल में देखो कम कैपेसिटी का, जैसे सस्ता, और क्योंकि आजकल जो मोबाइल है वो तुम्हारा कैमरा पे ही है तो जितना अच्छा कैमरा होगा उतना मोबाइल जो होगा तुम्हारा महंगा होता चला जाएगा। तो वो एक्चुअली क्या करता है, क्लियर कैसे पिक्चर को दिखाएगा, अगर तुम चाहोगे कि भाई बीच में एंटर करने में ना बहुत झंझट है, अगर तुम चाहोगे कि हम अपना मतलब कोई पिक्चर ले ले और उसको हम खूब क्या करें कि उसका पोस्टर बनवा ले, तुमने कैमरा से फोटो खींचा, तुमने मोबाइल से फोटो खींचा और मोबाइल से फोटो खींचने के बाद तुम चाहते हो कि हमारा जो फोटो आए उसको हम लोग क्या करें कि खूब बड़ा सा बना के एंड हम अपने घर में लगा दे, लिविंग रूम में लगा दे, भाई मेरा ये बड़ा स्टाइल वाला फोटो है, तो तुम देखोगे कि कई बार जैसे तुम कैमरा से मोबाइल से जब लेके चले जाते हो, जब तुम फोटोशॉप में जाते हो तो वो बोलता है कि ये ना इसका इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, ये ना पिक्चर फटेगा, और जब वो तुमको पिक्चर बना के देता है तो तुम देखते हो कि यार ये तो ना पिक्चर फटाफटा सा आया, होता है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. होता है ना, तो तुम लोग क्या करते हो कि प्रेफर करते हो मोबाइल, तो ठीक है मोबाइल में हम लोग फोटो रख लेते हैं स्टोर के लिए, और लेकिन फोटो जब निकालने की बात हो ना तो हम लोग एक बेहतर कैमरा ही यूज करते हैं ना, निकोन का कैमरा, तो सोनी का कैमरा, तो आजकल तो बहुत कैमरा आ गया, तो और उस कैमरा से जो फोटोग्राफ्स निकलता है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, उसको तुम एनलार्ज करके अपने घर में लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हर कैमरा का अपना एक कैपेसिटी होता है, कितना पिक्सल है ना, कितना उसका मैग्निफिकेशन पावर है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन तो तुम बढ़ा सकते हो, तुमने क्या किया कि मोबाइल में भी जैसे जूम का ऑप्शन आता है, तुम क्या करते हो जूम कर देते हो, लेकिन जूम करते हो तो एक चीज नोटिस करते हो कि तुम्हारा पिक्चर जो है वो थोड़ा ब्लर आ जाता है ना, क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया, मैग्निफिकेशन तो तुमने बढ़ा दिया, मैग्निफिकेशन तो तुमने जूम कर दिया 10x। तुम देखोगे कि जब तुम कोई पिक्चर खींचोगे और उस पिक्चर में जब तुम उसको जूम करने की कोशिश करोगे तो आएगा 10x 20x ऐसे करके आता है
है ना, वो एक्स क्या है, वो एक्स इज मैग्निफिकेशन एक्चुअली, लेकिन रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन तो तुम बढ़ा नहीं सकते हो, है ना। रिजोल्यूशन का मतलब हुआ कि तुम चीजों को कितना क्लियरली देख सकते हो, और यही वजह है कि ये जो तुम्हारा कोई भी जो तुम्हारा मोबाइल है उसमें रिजोल्यूशन जो है वो फिक्स कर देता है, भाई इससे ज्यादा ये रिजोल्व नहीं कर पाएगा, और उसी को वो पिक्सल में बोलता है। तो कहने का मतलब कि जिसका जितना पिक्सल यानी कि जिसका जितना रिजोल्विंग पावर होगा वो मोबाइल जो है वो उतना महंगा होता चला जाता है, और अगर कोई महंगे मोबाइल से तुम कोई पिक्चर खींचते हो तो वो उसके पिक्सल पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्लियरली पिक्चर देगा। सो रिजोल्यूशन इज नथिंग, ये एक लेंस का और एक ऑप्टिकल डिवाइस का चीजों को सेपरेट करने की एबिलिटी को बोलते हैं। सो रिजोल्यूशन इज व्हाट, इट इज एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू सेपरेट और with small object that are close enough, है ना? अगर वो बहुत ज्यादा क्लोजली जैसे दो ऑब्जेक्ट को तुमने पास पास रख दिया और उस ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, कितना क्लियरली वो अलग कर पा रहा है, ये उसका रेजोल्यूशन कराता है, कहलाता है। और मैग्निफिकेशन क्या करता है, सिंपली तुमने उसको एनलार्ज कर दिया। तो एक पार्टिकुलर अगर किसी चीज का तुम एक अच्छा फिगर लेना चाहते हो, एक अच्छा फोटो लेना चाहते हो, तो दैट lens, that camera, that microscope should have magnification as well as better resolution or better resolving power, है ना? So, अब रिजोल्यूशन को तुम ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, मैग्निफिकेशन तो तुमने बढ़ा दिया, लेकिन रिजोल्यूशन के लिए तुम्हें कुछ मेजर करना पड़ेगा, खासकर माइक्रोस्कोप के लिए। तुम जैसे मैं आई, मैंने मुझे पूछा कि जब तुम 10x ऑब्जेक्ट को देखोगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट नजर आएगा, छोटा छोटा नजर आएगा, और तुम चाह रहे हो कि अब हम उसको 40x में कर दें, तो 40x में ना वो तुम्हें कुछ इनलार्ज नजर आएगा, है ना? अगर तुमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रखा हुआ है तो छोटा छोटा जो डॉट है वो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बबल जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुम देखोगे कि वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अब तुम चाहते हो कि हम उसको 100x पे देखें, है ना? जैसे ही तुम 100x पे जब माइक्रोस्कोप का वो जो तुम लाओगे, वो जो लेंस का जो जिसका रिजोल्यूशन 100x है, जैसे ही लाओगे तुम देखोगे कि चीजें जो है वो तुम्हें बिल्कुल एक दूसरे से एकदम कोलाइज करते हुए और नजर आएंगे, वो तुम्हें कुछ क्लियर डिस्टिंग्विशन नहीं होगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यार तुम जो वहां पे एक ऑयल दिया रहता है, है ना, वो ऑयल हम तुमको बोलेंगे कि ना क्या करो कि जो तुमने स्लाइड बनाया ना उसपे एक बूंद ऑयल डाल दो, है ना, तेल, है ना। और वो एक्चुअली वो मतलब सिगार वुड ऑयल होता है, और मतलब कि जब रिजोल्यूशन तुम जाने आगे बढ़ाने लगोगे तो तुम ऑयल यूज करोगे। अब जब तुम स्लाइड पे जब तुम ऑयल का एक बूंद रख दोगे, जो तेल है उसका एक बूंद रख दोगे, तो तुम और उसके बाद तुम अंदर उसको देखोगे तो तुम देखोगे कि 40x पे भी चीजें बहुत क्लियरली नजर आ रही है, इनलार्ज तो नजर ही आ रही है, और बहुत क्लियरली अलग अलग चीजें जो है वो नजर आ रही है। और जब तुम 100x पे चले जाओगे तो वो मतलब और भी अच्छा से तुम्हें नजर आ जाएगा। तो एक्चुअली उस तेल ने क्या किया, उस तेल ने क्या किया कि वो मीडिया बढ़ा दिया, उसने लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। तुमने एक मीडिया उसमें बढ़ा दिया तो क्या किया कि लाइट को ट्रैप करना उस ऑयल में शुरू कर दिया, और जैसे लाइट का ट्रैप बढ़ेगा तो क्या होगा, चीजें जो है वो अपने आप अच्छा नजर आने लगेंगी। मतलब सीधी जस्ट लाइक दैट कि जैसे हम लोग पिक्चर लेते हैं, घर में पिक्चर लेते हैं तो हम लोग बड़ा एडजस्ट करते हैं, यार लाइट इधर पीछे आए, लाइट उधर आ गया, है ना, और हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लाइट के सोर्स को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे चेहरे पे पड़े और हमारा फीचर जो है वो अच्छे से नजर आए। तो एग्जैक्टली जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, स्लाइड पे एक ऑयल डाल दिया और इस ऑयल ने लाइट को ट्रैप किया, सोर्स जो हमारा इल्यूमिनेशन था उसको बढ़ा दिया, जिसके कारण कि हमें चीजें जो है वो ज्यादा क्लियरली नजर आने लगी। ये जो रिजोल्यूशन है ये तुम्हारा वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। हमें अच्छी तरह से पता है कि जैसे जैसे लार्जर द वेवलेंथ शॉर्टर द एनर्जी। अगर तुम लार्ज वेवलेंथ का लाइट यूज करते हो तो उसकी एनर्जी जो होगी वो शॉर्ट होगी, यानी कि उसमें जो चीजों को क्लियरली दिखाने की जो एबिलिटी है वो कम होगी। और अगर हमने शॉर्टर वेवलेंथ यूज किया, सपोज करो कि हमारे पास लाइट रे ही है, हम लोग लाइट रे से ही देखते हैं, है ना, और लाइट रे जो होता है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। अगर हमने लाइट रे की बजाय हमने कुछ क्या किया, इंफ्रारेड यूज कर दिया, तो क्या होगा, वेवलेंथ जो इंफ्रारेड का जो है वो वेवलेंथ जो है वो कम होता है, तो हमें क्या हो जाएगा कि मतलब रेड से नीचे, है ना, रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है,
और जेड से अगर नीचे जाओगे तो यानी कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट, यानी कि उसका एनर्जी जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर तुम यूवी में जाओगे तो यूवी में तुम्हें और क्लियरली दिखने लगेगा। सो यानी कि शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर विल बी द रेजोल्यूशन। तो अब तुमने, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि रेजोल्यूशन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो रेजोल्यूशन डिपेंड करता है, पहला तो हो गया कि तुम्हारा जो मतलब कि सोर्स ऑफ या अमाउंट्स ऑफ लाइट एनर्जी है ना, पहला तो उसी पे डिपेंड किया कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, और दूसरा तुम्हारा क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बढ़ाया, जैसे तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है ना, सॉरी ऑयल से तुम्हारा कम होता है, तो जैसे जैसे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो घटेगा तुम्हारा रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा। इसी तरह वेवलेंथ को जब तुमने शॉर्ट किया तो तुम्हारा रिजोल्यूशन जो होगा वो बढ़ेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तुम लोग बीच में जो इंटर करते हो ना, ये हो जाता है। क्वेश्चन तुम लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? So, यहाँ पे देखो एक माइक्रोस्कोप का प्रॉपर्टी दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए कि तुम 4x पे उसका मैग्निफिकेशन देखते हो, है ना, तो उसका न्यूमेरिकल अपर्चर, उसका फोकल लेंथ, वर्किंग डिस्टेंस, ये सब मतलब बता रहा है कि अगर जैसे इसी तरह तुम्हारा लो पावर का अगर यूज कर रहे हो, हाई पावर का यूज कर रहे हो, अगर तुम ऑयल इमर्शन यूज करते हो तो उसका मैग्निफिकेशन जो है वो 92 तक बढ़ जाता है। Working distance is nothing, it is distance between the front of surface of lens and surface of cover glass or specimen. ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा, यही तुम्हारा बता रहा है कि ये वर्किंग डिस्टेंस क्या है। ये तुम्हारा जैसे स्लाइड है, इसमें तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और ये यहाँ पे तुमने लेंस लगाया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वर्किंग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे जैसे तुम वर्किंग डिस्टेंस घटाओगे, ये जो लेंस का जो माउंट है वो थोड़ा सा और नीचे आता चला जाएगा, लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं कि एकदम तुम उससे सटा दो। ये जो तुम लेंस माइक्रोस्कोप यूज करने लगोगे ना, तो उस टाइम यहाँ पे ज्यादा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्या किया तुमने, वर्किंग डिस्टेंस घटा दिया है ना। वर्किंग डिस्टेंस कैसे घटाया तुमने, ऑयल को डाल दिया, जैसे मैं तुम्हें बता रही थी कि कैसे रिजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, ये तुम्हारा स्लाइड है, यहाँ पे ऐसे अगर तुमने कुछ भी नहीं डाला अगर, तो देखो जो लाइट है वो इधर उधर भाग जा रहा है, कुछ लाइट तो तुम्हारा वापस चला रहा है, कुछ लाइट जो है वो इधर चला जा रहा है, और कुछ ही यही दो जो लाइट है वो तुम्हारे आईज के पास जा रहा है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है ना। अब इसी तरह अगर तुमने इसमें ऑयल डाल दिया, जब ऑयल डाल दोगे तो क्या करेगा, सारा लाइट जो होगा वो डेविएट करेगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि तुम्हारा जो लेंस से जब ऑयल की तरफ लाइट जब जाएगा, तो तुम्हें पता है कि जो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो तुम्हारा इससे ग्लास से जो होता है वो तुम्हारा ज्यादा होता है, तो क्या होगा, लाइट जो होगा वो ऐसे डेविएट कर जाएगा, तो क्या होगा, मोर ऑफ द लाइट जो होगा वो तुम्हारे इस ऑब्जेक्ट जो तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, सॉरी ये लेंस जो रखा हुआ है ये तुम्हारा आई लेंस है, समझ रहे हो ना, ये स्लाइड है तुम्हारा, इस स्लाइड पे तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये तुम्हारा आई लेंस है जहाँ की तुम देख रहे हो। तो जब तुम ऑयल नहीं डालते हो तो देख रहे हो कि तुम्हारे पास दो ही लाइट जो है वो लाइट सोर्स जो है वो तुम्हारे आंख पे पड़ा, तो ऑब्वियसली तुम्हें जब तुम मैग्निफिकेशन बढ़ा रहे हो 10 से 40 इसमें आ रहे हो, तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो तुम्हारा बर्बाद हो जा रहा है, जिससे कारण तुम्हें चीजें जो है वो अच्छे से नजर नहीं आ रही है। अब तुम इसमें क्या कर दिया, ऑयल इमर्शन डाल दिया, इसमें इमर्शन ऑयल डाल दिया, इमर्शन ऑयल ने क्या किया, लाइट को अट्रैक्ट किया और मोर ऑफ द लाइट को इस तरह से डेविएट किया कि वो तुम्हारे आंख पे जाके वो पड़ता है, तब तुम्हें चीजें जो है वो क्लियर नजर आती है। दिस इज द फंडा ऑफ हाउ रेजोल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन वी ऐड इमर्शन ऑयल ऑन द ऑब्जेक्ट और द सब्सट्रेट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम बोलो बोलो। मैम ये लाइट को डाइवर्ट कराया फिर कन्वर्ट कराया लाइट को कन्वर्ज कराया, ये तो लाइट को कन्वर्ज ऑब्वियसली लाइट। मैम आप दो बार डाइवर्ट बोले ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं नहीं, डाइवर्जेंस और कन्वर्जन वो लेंस के टर्म में वो दूसरा बात है। यहाँ पे कहने का मतलब कि ये जो लाइट जो है वो तुम्हारा वापस लौट जा रहा है, ये जो लाइट है इसको डेविएट कर दिया, ये
डाइवर्ज नहीं किया मैंने, डेविएट कर दिया, ये लाइट जो तुम्हारा पार कर जाता है इससे, इस ऑयल के कारण ये डेविएट हो गया, डेविएट होके ये क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट की तरफ ज्यादा मुड़ गया, ठीक है ना, डाइवर्ज नहीं किया, yes. ठीक है. अब दूसरा जो है वो तुम्हारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, ऑब्वियसली जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है और लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप, जो तुम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हो तो जस्ट उसका उल्टा है तुम्हारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि जब कोई इमेज ब्राइट इमेज बनेगा, ऑब्वियसली जब तुम कोई काला कपड़ा रखोगे, है ना, सपोज करो कि तुम्हारा, तुमने कोई ब्लैक चार्ट पेपर लिया हुआ है, है ना, उसी तरह तुम्हारा जो है वो फील्ड नजर आएगा, और उस ब्लैक चार्ट पेपर पे तुम कोई भी चीज रख दो, ब्लैक रख दोगे तो ब्लैक तो नजर नहीं आएगा, जब तुम व्हाइट रखोगे तो चीजें जो है वो नजर आ जाएंगी. तो अगर तुमने ब्लैक बैकग्राउंड यूज करना है तो जो तुम ऑब्जेक्ट यूज करोगे, जो तुम सब्सट्रेट यूज करोगे, वो ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा, क्योंकि जहां तुमने उसको डार्क करने की कोशिश की, डार्क पे डार्क नहीं दिखेगा, है ना. अगर तुमने कलर भी लाल पीला कुछ भी डाला तो वो डार्क बैकग्राउंड पे उसका उतना खिल के कलर नहीं आएगा, है ना. लेकिन अगर तुमने डार्क बैकग्राउंड पे क्या किया कि व्हाइट को ही रहने दिया, है ना, उसको बिना स्टेन किए ही तुमने डाल दिया, तब चीजें जो है वो तुम्हें अच्छे से नजर आ जाएंगी. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो तुम्हारा ब्राइट है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो डार्क है. तो डार्क करने के लिए जितना डार्क करने के करोगे उतना अच्छे से तुम्हें चीज नजर आएगा. तो डार्क करने के लिए तुम इसमें डाई और स्टेन यूज करते हो, लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्योंकि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी डार्क है, तो इसीलिए तुम्हें चीजों को स्टेन करने की जरूरत नहीं होती. और जब चीजों को स्टेन करने की जरूरत नहीं होती तो वो जो तुमने कोई भी जो ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है वो लाइव रहेगा, क्योंकि जब तुम उस पर कलर वलर जब डालना शुरू करोगे, तुम मेथड में देखोगे कि जब तुम ग्राम स्टेनिंग भी इवेंट कर रहे हो या सिंपल स्टेनिंग भी कर रहे हो, तो जो तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया जाएगा उसका एक, जब तुम स्मियर बनाओगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता है, उसको तुम्हें फिक्स करना होता है, फिक्स करने के बाद फिर उसमें डाई डालना होता है, तो इस प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है. लेकिन अगर तुमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज किया तो यहाँ इन सारे प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइव रहता है. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि डार्क फील्ड एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में किस में हम लोग ऑब्जर्व, मतलब लिविंग लिविंग थिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, हाँ, क्योंकि उसमें हमें स्टेन करने की जरूरत नहीं होती है. और ब्राइट फील्ड में जो मोस्टली जो है वो जो थिंग्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, क्योंकि स्टेनिंग के पर्पस, स्टेनिंग के प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसको किल कर देती है. ठीक है, वो सब तुम्हें आगे बताया जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है स्टेनिंग में. So, ये तुम्हारा एक डिपिक्शन है कि जैसे तुम्हारा जैसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो ये मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स है, स्पेसिमेन जो है ना, वो तुम्हें है ना, स्पेसिमेन जो है वो तुम्हें बिना उसके दिखेगा, बिना किसी स्टेनिंग के या बिना किसी फिक्सेशन के. अब देखो बेसिकली तुम लोग को जो जो माइक्रोस्कोप पढ़ना है डिटेल में, वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है. ये फेज कॉन्ट्रास्ट फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, ये सब तुम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में जानना नहीं है, तो इसको लेके हम बहुत ज्यादा बर्डन करेंगे भी नहीं, है ना.
बस सिंपल ये जान लो कि जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, क्योंकि ये सब माइक्रोस्कोप तुम प्रैक्टिकली देख भी नहीं पाओगे तो उसको विजुअलाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो कि कहीं मान लीजिए कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आ जाए तो क्या हो। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप अच्छी तरह से जानते हो कि लाइट का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है फेज चेंज, है ना। तो ये जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ये इसी फेज चेंज पे काम करता है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते चले जाओगे डार्क फील्ड से फिर ब्राइट फील्ड, ब्राइट फील्ड से तुम फेज कॉन्ट्रास्ट से फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस से तुम यूवी माइक्रोस्कोप, ये रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन जो है वो तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर चले जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा जो माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट है और उसका जो लेंस सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप सिंपल यही है कि तुम्हारा फेज चेंज पे काम करता है, और ये मतलब कि it enhances contrast between intracellular structure having slight difference in refractive index. Simply तुम्हारा जब मोटा मोटी कोई चीज ऑब्जर्व करना रहता है, जैसे तुम्हें सिंपली देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा कोकाई है कि रॉड शेप है, वो तुमको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अच्छे से देखें, उसके अंदर क्या क्या है ना, क्या क्या उसके अंदर ऑर्गेनेल्स तो नहीं, मतलब उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए तुम्हें और ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर एक मोटा मोटी तुम्हें दे देगा कि इसके अंदर जो है वो ये स्ट्रक्चर है, है ना। तो वो कैसे देगा, क्योंकि हर स्ट्रक्चर का अलग अलग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फेज चेंजेस के कारण ये तुम्हें उसका एक डिपिक्शन दे देता है, इसके अंदर जो है वो मेजोजोम है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड भी है, इसके अंदर ये भी है, है ना। तो ये और ज्यादा कुछ चीजों को डिटेल अगर करना होता है तो हम लोग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, और अगेन उसमें क्योंकि फेज चेंजेस होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द जो भी तुम्हारा मटेरियल है उस पर ये डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसमें चीजों को बहुत ज्यादा स्टेन करने की या उसमें फिक्सेशन की जरूरत नहीं होती, तो इसमें भी हम लिविंग थिंग को आराम से देख सकते हैं। ये बताया है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना तुम्हें जानना नहीं है इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप बस नाम और उससे जान लो, क्योंकि डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। फ्लोरोसेंट तुम लोग को अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है, तुम लोगों ने पहले, तुम लोग के फादर अगर होंगे तो तुम लोग ने सुना होगा कि घड़ी में पहले जो है ना रेडियम आता था, और अभी भी जैसे जो घड़ी होते हैं रात में तुम लाइट भी ऑफ कर दोगे तो घड़ी के जो सुइयां है वो तुम्हें दिखता है, है ना। तो वो क्यों दिखता है, दिन में तो तुम्हें नहीं दिखता, रात में अचानक से वो दिखना शुरू हो जाता है, कितना टाइम हो रहा है आराम से तुम घड़ी में तुम देख सकते हो, इवन बिना लाइट जलाए देख सकते हो। तो वो उसमें ना एक रेडियम फिक्स होता है, वो रेडियम क्या होता है, वो फ्लोरोसेंट होता है, मतलब कि उसमें ऑटो फ्लोरोसेंस की एबिलिटी होती है, यानी कि वो फ्लोरस कर सकता है, वो कुछ रे फेंक सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो रेडियम जो होता है वो दिन भर लाइट ऑब्जर्व करता है ना, जितना है ना वो लाइट को ऑब्जर्व करता है, और जैसे ही रात होता है उसमें से अपने आप वो फ्लोरोसेंस जो है निकलने लगता है, और जिसकी वजह से तुम्हें जो घड़ी की सुइयां है वो आराम से दिखती है। सो वो माइक्रोस्कोप जो है वो अगेन वो फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी, जो लाइट का जो फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी है जिसमें कि वो अपने आप को दिखा सकता है ना, उसी पे डिपेंड करता है। जैसे तुमने देखा होगा जुगनू, देखा होगा है ना, जुगनू भी रात में जो होता है वो चमकता रहता है, दिन में तुम्हें चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि जो जुगनू होता है उसमें एक तरह का केमिकल होता है जो कि मतलब कि एयर के प्रेजेंस में वो बर्न होता है, और वही तुम्हें दिखता है, वही फोर्स करते हैं रात में दिखता है। So, ये जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है ये तुम्हारा लाइट के फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और इसमें दो चीजों को यूज करते हैं, या तो तुम केमिकल फ्लोरोसेंस यूज करते हो और या ऑटो फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हो। बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लोरोसेंस की एबिलिटी होती है, जैसे सुडोमोनास फ्लोरोसेंस ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फ्लोरस करता है, मतलब कि लाइट को ऑटोमेटिक छोड़ता है। तो इस फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तुम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑटो फ्लोरोसेंस की एबिलिटी है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें जिसको कि तुम देखना चाह रहे हो उसको हम लोग फ्लोरोक्रोम से या फ्लोरोसेंट डाई से हम लोग उसको
अटैक कर देते हैं उसमें, उसमें दोग लगा देते हैं, एंड इस उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राइट दिखेगा फ्रॉम द फ्लोरोसेंट लाइट इमिटेड बाय द, क्योंकि वो जो स्पेसिमेन है वो फ्लोरोसेंट लाइट इमिट करेगा जिसके कारण तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो आराम से क्लियरली नजर आएगा. ये भी एक लंबा चौड़ा है जिसका वर्किंग प्रिंसिपल तुम्हें तो पढ़ना नहीं है, लेकिन ये देख लो कि इस तरह से तुम्हें दिखता है ना, जैसे किस तरह से फ्लोरोसेंट जो होगा वो फ्लोरोसेंट इसमें डाई लगाया हुआ है, और जब तुम अंकल सर आप दिल्ली में करो म्यूट करो तुम लोग म्यूट करो, और ये तुम्हारा एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें कि तुमने म्यूट करो किसका ऑन है, जिसमें कि तुम्हें ये डिफरेंट फ्लोरोसेंट मतलब कि डाई से ऑब्जर्व किया गया, और उस तरह से तुम्हें चीजें जो होंगी वो कलरफुल दिखेंगी. इसके बाद भी तुम लोग का क्लास है ना? यस मैम. यस मैम. बोलो पीपीटी तो मिल गया होगा. यस मैम. क्वेश्चन आंसर भी मिल गया है इसका मैम. मेल पे सारा असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर सब आज सबके मेल पे हम भेज दिए थे. यस मैम. और क्वेश्चन वेशन सब मिल गया था ना इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस है. यस मैम. लॉन्ग शॉर्ट सारे थे. ठीक है चलो उसको बनाना वो प्रैक्टिस करने के लिए, और उससे हम पूछेंगे भी एग्जाम भी लेंगे, इसलिए तुम लोग प्रैक्टिस करते चलना ठीक है. मैम मेरा मेल आईडी गलत है वहां पे नहीं आता इसलिए. इशू कौन तुम अपना मेल आईडी भेजो. तुम लोग का 10 बार से तो हम मेल ही आईडी चेक करा सोए रहते हो. मैम भेजे हैं मैम 2-3 बार भेज चुके हैं. क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया कुमार. में एक जगह पहले ये आ गया उसके बाद ये चाहे इसलिए नहीं आ रहा है मैम. फिर से एक बार भेजो.